मतलब देश के पहले मुख्यमंत्री का वो बेटा जिसने 3 बार किसी सूबे की कमान संभाली लेकिन एक बार भी 5 साल तक कुर्सी पर काबिज नहीं रह पाया। हालांकि राजनीति में इस नेता ने कई बड़े मुकाम हासिल किए और कांग्रेस के एक गुट का सालों तक नेतृत्व किया। नमस्कार, इन्हें राजनेता कहते हैं कि इस एपिसोड में माधव यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं कहानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत राजनेता श्यामाचरण शुक्ल की। श्यामाचरण का जन्म 27 जनवरी 1925 को रायपुर में हुआ था। श्यामाचरण के पिता का नाम रविशंकर शुक्ल था, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। श्यामाचरण ने BHU से BTech की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद अपने पिता की तरह उन्होंने वकालत पूरी की। रायपुर जिला कांग्रेस से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पर रहे श्यामाचरण शुक्ल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से की थी। तत्कालीन मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्यामाचरण ने वर्ष 1997 में राजिम विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रवेश किया था। इसके बाद श्यामाचरण ने राजिम सीट से 7 बार विधानसभा का चुनाव जीता और विधायक चुने गए। साल 1967, लगभग 10 साल तक विधायक बने रहने के बाद आखिरकार श्यामाचरण शुक्ल को मंत्री बनाया गया। DP मिश्र की सरकार में उन्हें सिंचाई मंत्रालय सौंपा गया था। साल 1969, श्यामाचरण शुक्ल के पिता रविशंकर शुक्ल के मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री DP मिश्र पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन DP मिश्र को हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में कदाचार करने का दोषी करार दिया। दरअसल DP मिश्रा पर 1963 में कसडोल उपचुनाव में तय सीमा से 265 रुपये ज़्यादा खर्च करने का आरोप लगा था, जिसके चलते हाई कोर्ट ने उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसका फायदा श्यामाचरण शुक्ल को हुआ और 26 मार्च 1969 को श्यामाचरण शुक्ल पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू को रविशंकर शुक्ल कुछ खास पसंद नहीं थे, उसी प्रकार इंदिरा गांधी को श्यामाचरण शुक्ल कुछ खास पसंद नहीं थे। श्यामाचरण शुक्ल के मंत्रिमंडल में 3-4 ऐसे सदस्य थे जिनके ऊपर गंभीर आरोप और कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें हटाने के संकेत भेजे, जिनके शुक्ल ने अनदेखी कर दी और परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी ने उन्हें हटाकर प्रकाश चंद्र सेठी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने सेठी को पुनः दिल्ली बुला लिया, जिसके बाद श्यामाचरण शुक्ल फिर से प्रदेश के CM बने। लेकिन श्यामाचरण शुक्ल 1975 से 1977 तक ही CM रह पाए, क्योंकि 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और खुद श्यामाचरण शुक्ल अपनी राजिम की विधानसभा सीट भी गवा बैठे थे। इसके बाद 1989 में देश में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद राजीव गांधी ने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बदल दिए थे और इसी कारण श्यामाचरण शुक्ल पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1990 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद श्यामाचरण शुक्ल विपक्ष के नेता बने। 1999 में महासमुंद से लोकसभा चुनाव जीत श्यामाचरण शुक्ल दिल्ली पहुंचे और राजिम विधानसभा सीट से फिर उनके बेटे अमितेश शुक्ला को चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने जीत हासिल करी। साल 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ
और छत्तीसगढ़ में पहली सरकार बनी अजीत जोगी की सरकार, जिसमें श्यामाचरण शुक्ल के बेटे अमितेश को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। 14 फरवरी 2007 छत्तीसगढ़ के रायपुर में 81 साल की उम्र में श्यामाचरण शुक्ल ने अपनी अंतिम सांस ली और उनका निधन हो गया। श्यामाचरण शुक्ल के बेटे अमितेश अभी भी छत्तीसगढ़ की राजिम विधानसभा सीट से विधायक हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतने वाले अमितेश शुक्ल परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हें राजनेता कहते हैं कि इस एपिसोड में बस इतना ही। देश और विदेश के राजनेताओं की कहानियां जानने के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़ का ये खास सेगमेंट, इन्हें राजनेता कहते हैं।